नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, वीडियो शुरू करो उससे पहले सभी जो शिव भक्त हैं वो हर हर महादेव का एक जयकारा जरूर लगाइए, क्योंकि श्रावण मास आ रहा है और हम सभी अब जो भी शिव भक्त हैं वो भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना में जुटेंगे। तो आज ये वीडियो उसी भक्ति पर है, क्योंकि शिव पूजन जब हम करते हैं तो कुछ ऐसी सामग्री होती है दोस्तों जो बहुत जरूरी होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ, आप सावन सोमवार का व्रत करने जा रहे हैं, आप प्रदोष व्रत करने जा रहे हैं, या पूरे सावन मास में आप रोजाना भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो विशेष सामग्री होती है, जो जरूरी सामग्री होती है, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। यही सामग्री आपको 16 सोमवार व्रत के लिए भी चाहिए होगी, बस उसमें जो भोग का हिस्सा है वो अलग होता है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। आज का जो ये वीडियो है, शिव पूजन सामग्री, शिव पूजन थाली में क्या वो जरूरी चीजें हैं जो हमें इस श्रावण मास में जरूर रखनी चाहिए। तो देखिए, यहां पर बहुत सारी सामग्री मैंने रखी हुई है। देखिए, जरूरी नहीं है कि ये सभी सामग्री शिव पूजा में आप भी मंदिर लेकर जाएं, लेकिन कोशिश करें। देखिए, हम विशेष यत्न करके ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, तो यत्न जरूर करना चाहिए, और मौका जब खास हो, श्रावण मास का हो, तो जरूर करें। तो ये सभी सामग्री जो है ये भगवान शिव को, भोलेनाथ को अति प्रिय है दोस्तों। तो भगवान शिव की हम पूजा कर रहे हैं, तो सबसे विशेष जो होता है वो होता है भगवान का अभिषेक। तो अभिषेक के लिए देखिए, यहां पर मैंने पंचामृत की सभी सामग्री रखी है। जल से अभिषेक सबसे पहले आपको करना है, उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करेंगे। ये है दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। पंचामृत इन्हीं पांचों चीजों से मिलकर तैयार होती है दोस्तों। एक जलपात्र जल का भी रखना है, तो पंचामृत हो गया। इसके बाद शिव पूजन के लिए जो और जरूरी सामग्री होती है वो होता है बेलपत्र। तो ये देखिए, ये बेलपत्र है। बेलपत्र में आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र के तीनों पत्ते हो इस पे लगे हुए। इसको धो करके आप इस पे चंदन से श्री राम लिख सकते हैं, या फिर आप इसी प्रकार से बेलपत्र को रखेंगे। 11 की संख्या लें, 21 की संख्या लें, 51 की संख्या लें, जो मिल जाए आपको लेना है। अब दोस्तों, यहां पर बहुत बारीकी से आप देखते चले और चीजों को नोट करते चले। ये पान के पत्ते हैं, चार रखे हैं मैंने। यहां पर पान के पत्ते आपको आह्वान के लिए एक चाहिए होगा, हम पूरे शिव परिवार का आह्वान करते हैं, और मुख शुद्धि के लिए आप दे सकते हैं भगवान भोलेनाथ को, मां पार्वती को, गणपति को। तो चार पान के पत्ते मैंने रख लिए हैं। इसके बाद में दोस्तों, भगवान शिव का जब भी हम पूजन परिवार सहित करते हैं तो दूर्वा अति आवश्यक एक सामग्री है। तो दूर्वा, और जो बहुत आसानी से मिल जाती है, तो आप दूर्वा रख लें। इसके बाद में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान को जितने तरह के पत्ते आप अर्पित करते हैं, और खासतौर पर उनके प्रिय पत्ते बहुत प्रसन्न होते हैं, तो ये है शमी पत्र, जो उन्हें बहुत प्रिय है। इन सभी पे अलग से भी वीडियो मैं आपके साथ लगातार शेयर करूंगी। ये दोस्तों आंकड़े के फूल, सफेद फूल हम उन्हें अर्पित करते हैं, तो आंकड़े के फूल जितना आपको मिल जाए आप उसकी व्यवस्था जरूर रखें। अब इसी थाली में ये देखिए, ये है कच्चा भांग, तो ये भांग मिल गया मुझे, तो भांग रख लिया है। पीले फूल आप गणपति के लिए रखें, माता के लिए, कार्तिकेय नंदी जी के लिए रखें। इसके बाद माता की पूजा में लाल गुड़हल का बहुत विशेष महत्व होता है। मां पार्वती की जब भी हम पूजा आराधना करें तो लाल गुड़हल माता के लिए। मैंने यहां पर यह दिखाने के लिए गुलाब भी रखा है कि अगर आपको लाल गुड़हल के फूल नहीं मिल पाते हैं तो आप ये गुलाब के फूल भी माता को अर्पित कर सकते हैं। इस तरह का गुलाब मिल जाए, इस तरह का गुलाब मिल जाए, जो मिले आप ले लें। सफेद फूलों में देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको आंकड़े के फूल मिल जाएंगे, या आपको धतूरे के, जो भगवान भोलेनाथ के प्रिय फूलों में से एक है, धतूरा, धतूरे के फूल मुझे मिल गए हैं, तो धतूरे के फूल भी मैंने रख लिए हैं। अगर आपको मिल जाते हैं जरूर रखिए। कनेर, इसका एक विशेष महत्व होता है शिव पूजन में, तो कनेर के पुष्प भी मुझे मिल गए हैं, और वो भी दो रंग के, पीले और सफेद, दोनों रंग के। एक ऑरेंज भी होता है, वो आज नहीं मिला। इसके साथ ही दोस्तों, एक बहुत सुंदर फूल जो कि शिव पूजन में बहुत महत्व रखता है, वो है शमी के फूल। शमी के फूल भी मुझे मिले हैं, और आपको इन फूलों को भी भगवान शिव की पूजा में रखना चाहिए। ये और भी ज्यादा पुष्प हैं, इधर उधर अभी थोड़े से इसमें शायद दब गए हैं, तो ये शमी के पुष्प हैं, तो इसको भी आपको जरूर रखना है, जितने मिल जाएं।
शमी पत्र और शमी के फूल। इसके बाद में हम सभी जानते हैं धतूरा, इसके कई उपाय भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। धतूरा भगवान को भांग और धतूरा जो है ना वो भोग के तौर पर अर्पित किया जाता है, तो आप जरूर अर्पित कीजिए, बहुत प्रिय है भोलेनाथ को ये। तो ये सभी फूल हो गए, एक्स्ट्रा फूल भी मैंने रखे हुए हैं, जरूरत के हिसाब से आप जो अन्य भगवान की पूजा करती हैं आप रख लें। इसके बाद में दोस्तों अब जो जरूरी सामग्री है पूजन के लिए, श्रृंगार के लिए भोलेनाथ का, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया संकल्प के लिए पान रखे हैं, पान के साथ सुपारी चाहिए, सुपारी के साथ लौंग इलायची चाहिए है, काले तिल हम उन्हें अर्पित करते हैं, हम उन्हें अक्षत, ये अखंड चावल है, बहुत ध्यान से आपको लेना है, अखंड चावल जो हो आप वही रखेंगे। सफेद चंदन है, यहाँ पर माता के लिए लाल सिंदूर रखा है मैंने, ये रोली है, और ये गणपति के लिए पीले सिंदूर, आप चाहें तो एक ही सिंदूर लेकर जाएं। ये यहाँ पर जो सफेद तिल है वो भी रखा हुआ है, वैसे काले तिल ही मैं अर्पित करूंगी। अष्टगंध है जो कि सभी को हम अर्पित करते हैं, इसके साथ ही हल्दी भी थाली में है, लेकिन एक बात यहां पर नोट में आप ध्यान रखेंगे, हल्दी आपको गणपति को अर्पित करना है, माता को अर्पित करना है, कुंवारी कन्याएं सुहागन महिलाएं हल्दी माता को पूजा में पूरे श्रावण मास जरूर अर्पित करें, सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, लेकिन भूल से भी भगवान शिव को आप अर्पित नहीं करेंगे। ये भस्म है जो भगवान शिव का अति प्रिय है, उनको रोजाना की पूजा में अर्पित करें, सावन सोमवार व्रत के दिन तो जरूर करें। ये गुलाल है जो उन्हें अर्पित आपको रोजाना की पूजा में करना है। तो ये थाली हो गई, यहाँ पर भी इत्र मैंने रखा है, आप गठबंधन करेंगे इसके लिए आपको कलावा जरूर रखना है, अगर आपने वस्त्र लिया है तो ठीक है, अगर वस्त्र नहीं लिया है तो वस्त्र रूपी कलावा भी आप यूज कर सकते हैं, आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं, दे सकते हैं। पूरी जो थाली है ये श्रृंगार की थाली है, इसमें भगवान की और माता के श्रृंगार की सभी चीजें जो जरूरी सामग्री है वो मैंने रख ली है, आप चाहे तो सफेद तिल यहां से आप हटा सकते हैं बस। इसके बाद में ये माता के लिए चुनरी है, भोलेनाथ के लिए सफेद अंगोछा अंगवस्त्र जो भी आप रखना चाहें, ये सुहाग की सामग्री जो आप देना चाहें, पांच सामग्री जरूर माता को पूजा में अर्पित करें, अगर कुछ नहीं दे सके तो आप बिंदी सिंदूर ही हर सोमवार को माता को सुहाग की सामग्री में जरूर अर्पित करें। ये विशेष पूजा है इसलिए इसमें सभी सामग्रियां मैं रखने की कोशिश कर रही हूं। इसके बाद में दोस्तों आता है भोग, भोग जो भी सीजन के फल होते हैं, देखिए हम सावन सोमवार के व्रत में भगवान को भोग लगाते हैं, तो ये देखिए आम है, केला हर सीजन में मिलता है, आम सीजन का फल है, और सेब, ये बड़ी आसानी से मिलने वाले फल हैं जो हर हर जगह पे किसी भी आप स्टेट में हैं आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से। ये देखिए सफेद मिठाई है जो भोलेनाथ को प्रिय है। इसके बाद बारी आती है आरती की, आरती की थाली आपको सजा लेनी है, एक दीपक जो पूजा का साक्षी होगा, एक एक्स्ट्रा दीपक मैंने रखा है, आपको ये धूप रख लेना है, धूप किसी प्रकार का आप रखना चाहें रख लें, और ये आरती का दीपक है, ये पांच मुखों का दीपक है, भगवान शिव की पूजा में आरती आप ऐसे दीपक से करते हैं तो भगवान आप पर बहुत प्रसन्न होते हैं। कपूर एक बहुत ही जरूरी सामग्री है शिव पूजन थाली में, तो कपूर आपको जरूर रखना है, इस थाली को आप अच्छे से सजा लेंगे, क्योंकि ये मंदिर में ले जाऊंगी तो भी मैं सारी सामग्री ऐसे रख करके आपको दिखा रही हूं। अब दोस्तों बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे ऐसी जो विधियां हैं विशेष विधियां वो आपको करनी है, उस पर अलग से एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उस वीडियो को भी जरूर देखिए। इसके बाद मैं इन्हीं सभी सामग्री के साथ भोलेनाथ का पूजन करने जा रही हूं, तो शिव पूजा विधि संपूर्णता से आप मंदिर में या घर में कैसे करेंगे आपको वो भी आपके अपने यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार टोटके पर मिलने जा रहा है, तो चैनल के साथ बने रहिए, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको श्रावण मास में हर वीडियो आपके अपने यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार टोटके पर मिलने जा रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, अगर वीडियो पसंद आया है तो आगे अपने दोस्त परिजनों तक जरूर शेयर कीजिए। हर हर महादेव, जय माता रानी।